दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक होने वाला है। अगर आप एक मोबाइल नंबर से मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट यूज करना चाहते हो या फिर कहें दोस्तों मल्टीपल डिवाइस में यूज करना चाहते हो आप अपना व्हाट्सएप वो भी एक ही मोबाइल नंबर से, तो कैसे कर सकते हो? वेल गाइज, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप एक मोबाइल नंबर से मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हैं, आई मीन टू से, या फिर दोस्तों अगर आप मल्टीपल डिवाइस में बहुत सारा फोन में आप एक ही मोबाइल नंबर से चलाना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो? उसके लिए सबसे पहले आपको बता दें आप मैक्सिमम 4 डिवाइस में या फिर कहें 4 व्हाट्सएप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो एक नंबर से। ओके, एक आपका मोबाइल नंबर होगा जिसमें आप 4 व्हाट्सएप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, चाहे अलग अलग फोन में यूज करो या फिर एक ही फोन में यूज करो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक आपका प्राइमरी होगा जिसमें आप पहले से लॉग इन किए होंगे, राइट। और अब आपको क्या करना है, वही व्हाट्सएप को आपको मल्टीपल फोन में या फिर कहें मल्टीपल व्हाट्सएप को डाउनलोड करके उसमें भी लॉग इन करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड होने के बाद वहां पे आपको ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछेगा मोबाइल नंबर डालने के लिए, मोबाइल नंबर पूछता है और कंट्री का कोड पूछता है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऊपर में आपको 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिंक डिवाइस करके एक ऑप्शन होगा। ये लिंक डिवाइस जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये लिंक डिवाइस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे QR कोड आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, QR कोड आने के बाद अब आपको अपना वही फोन लेना है, पहले वाला ए फोन लेना है जिस फोन में आप पहले से यूज कर रहे हो व्हाट्सएप, आई मीन टू से जिस फोन का पहले मैंने जिक्र किया जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के जो पहले से आप यूज कर रहे हो, राइट। तो उस फोन को आपको क्या करना है, लेना है। और लेने के बाद यहाँ पे आपको बता दें क्या करना है। वेल गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ए वाला फोन लेना होगा, आई मीन टू से जो पहला वाला फोन है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट में आना होगा। 3 डॉट में आने के बाद आपको लिंक डिवाइस करके एक ऑप्शन मिलेगा, ये लिंक डिवाइस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बटन मिलेगा लिंक और डिवाइस, और यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मे भी परमिशन मांग सकता है या फिर दोस्तों एक QR कोड डेमो शो करता है। उसके बाद आपको ओके वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक QR कोड ये ओपन हो जाएगा स्कैन करने के लिए। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपना बी वाला जो डिवाइस है या फिर कहें बी वाला आपका व्हाट्सएप है, जो भी अनदर व्हाट्सएप में यूज करना चाहते हो उसमें आपका QR कोड आपका लॉगिन हो चुका है, तो आपको क्या करना होगा, ये QR कोड को स्कैन करना है, अपना से ए वाला फोन को उठाना है और बी वाला जो डिवाइस है उसको स्कैन करना है। जितना आप स्कैन करोगे जो जो डिवाइस में या फिर कहें जो जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को आप स्कैन करते जाओगे आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो लॉगिंग होते जाएगा सेम नंबर से। और मैक्सिमम आप 4 डिवाइस में या 4 व्हाट्सएप एप्लीकेशन में आप एक मोबाइल नंबर से लॉगिंग कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो या फिर कहीं चला सकते हो। सो गाइस, ये है एकदम सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा स्टेप को फॉलो करके इजिली आप एक मोबाइल नंबर से मैक्सिमम 4 डिवाइस में व्हाट्सएप को चला सकते हो, चाहे अलग डिवाइस हो या फिर दोस्तों कहें अलग व्हाट्सएप एप्लीकेशन हो। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल था, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। एज वेल एज दोस्तों अगर आपको ये करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।